फाइनली वियतनाम लैंड कर गया। कैसा रहा मेरा थाई एयरवेज का सफर? बिजनेस लाउंजेस, वियतनाम की करेंसी, सिम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाहर आते ही पहला इंप्रेशन, ये सब शेयर करूंगा आज की एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिलाल आज़म और वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। पिछली 3-4 एपिसोड्स के अंदर मैंने अपना सारा के सारी जो प्रेपरेशंस थी वो दिखा दी और आज इस वक्त मैं अब लाहौर एयरपोर्ट के CIP लाउंज के अंदर पहुंच चुका हूं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, कज़न्स के साथ आया, बाहर अब्दुलरहमान जो मेरे साथ पहले ट्रैवल करता रहा, इस दफ़ा आया तो नहीं लेकिन मुझे छोड़ने आया, साथ फुरकान, अजीम, असीब, बाकी जो मेरे फ्याज कज़न्स थे वो मुझे ड्रॉप करके चले गए। और एयरपोर्ट पर भी काफ़ी रश था बोर्डिंग पास वगैरह लेके, साथ यहाँ पे अब कुछ खाने पीने के बाद थोड़ा सा मैं वेट करूँगा यहाँ पर और निकल रहा हूँ मैं वियतनाम के लिए फाइनली। और काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 3-4 माह बाद ट्रैवल के ऊपर निकल रहा हूँ तो कुछ अजीब सी एक एंग्जाइटी भी हो रही है, प्लस काफ़ी अजीब भी लग रहा है कि यार इतने 3-4 महीने बिल्कुल आप जब ट्रैवल से आउट हो जाते हैं और दोबारा से जब आप अपने उस मोड के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रिदम में आने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस आधे घंटे तक मेरी फ़्लाइट है, थोड़ा सा मैं खाता पीता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे अपनी थाई एयरवेज़ की एयरलाइन के अंदर। प्लेन में तो आगे बैठ गए, कहा मैंने भाई साहब को विंडो सीट था और मिल गई है मुझे सेंटर में। स्वादी खा, वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड पहुंच गए लेकिन जल्दी जल्दी से हमने यहाँ से निकलना है बिकॉज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और पकड़नी है हमें अगली फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक टू हो ची मिन्ह सिटी की। थाईलैंड आने के बाद आपको ऐसे लगता है आप सेकंड होम आ गए, जितने मेरे चक्कर थाईलैंड के लग चुके हैं ना और ट्रांजिट जितना यहाँ पे होता है, और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन वर्ल्ड फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी और लाउंजेस के हिसाब से भी। ओके स्वादी खा, खापन खा, सिन चाओ नाज़रीन, सिन चाओ कहते हैं वियतनामीज लैंग्वेज में हेलो को। और फाइनली लैंड कर गया मैं वियतनाम के अंदर, अब जल्दी से चलते हैं इमिग्रेशन करवाते हैं, बैग कलेक्ट करते हैं और फिर आपको मज़ीद डिटेल लेता हूँ यहाँ की करेंसी की, यहाँ की लैंग्वेज की और सिम वगैरह की जो कि हमारी एयरपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ हो ची मिन्ह सिटी अराइवल एयरपोर्ट।
लो जी यहाँ पे मिल रहा है सिम कार्ड वेतना मोबाइल एंड वेदटेल हाउ मच हेलो स्टे हियर हेलो वन मंथ डी कॉलिंग आई एम नॉट कॉलिंग हेलो अ लिटिल बिट $15 यू कैन मेक अ फोन कॉल एंड डाटा अनलिमिटेड Unlimited data, 5G. Hello, yes, 5G. All right, so $15 की unlimited 5G की जो सिम है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर और वैसे भी कह रहे हैं अगर आपका 30 डेज से कम होता अप टू 10 डेज तो 10 से 15 डेज का अगर आपका होगा तो आप लेंगे $10 में आपको मिल जाएगी लेकिन क्योंकि मेरा वन मंथ था ऑलमोस्ट तो $15 अनलिमिटेड और 5G तो वेदटेल की मैं ले रहा हूँ इनके पास दो तीन कंपनीज की और भी हैं लेकिन और उनके सस्ते भी पैकेज थे लेकिन वन मंथ जो था वो सबसे अच्छा पैकेज इन्हीं का था तो ओके जी इमिग्रेशन थोड़ा टाइम लग गया बैगेज हमारा आ गया हुआ है और उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है ये है हमारा बैग अभी मुझे यहाँ से लेनी है करेंसी $100 और कितना मुझे मिला 24,90,000 ऑलमोस्ट 25 लाख रुपया ठीक है जी मिलियनेयर में हो गया हूँ एक मिनट के अंदर दिस इज़ वियतनामीज करेंसी डोंग और ये 50,000 का नोट है ये चेक करें ये 5 लाख का नोट है और दिस इज़ 1 लाख नोट तो बेसिकली ये जो आखिरी 3 डिजिट है ना ये अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है अब इसको बेसिकली ये 100 ही कहते हैं इसको 100 डोंग कहते हैं आगे के लिख देते हैं और 500 डोंग कहते हैं तो हम इसको यही समझा करेंगे ये हमारा 5,000 का नोट है ये हमारा पाकिस्तानी 1,000 रुपीज़ ये कुछ इसी तरह का ही हमारा कम्बिनेशन बनेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितने ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज भी हैं और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन भी है और सिम भी हैं तो मेरी सजेशन आपको यही है कि अगर आपने चीपेस्ट लेनी है सिम तो बिल्कुल इमिग्रेशन गुजरने के बाद यहाँ पर आकर आप लें तो आपको $1-2 सस्ती मिल जाएगी और ये है जनाब हमारा पहली एंट्री होचमिन सिटी के बाहर चेक करें यार ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है जो लोग लेने आए हुए हैं हमारा तो रश लगा होता ना इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ गर्मियों शदीद होने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है अच्छा अब सीन ये है कि अब मैं आपको ट्रांसपोर्ट बता दूँ आपने यहाँ से बाहर आने के बाद होटल वगैरह जाना है तो क्या सीन है यहाँ पर आपकी अगर तो आप फैमिली हैं या आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्सी भी ले सकते हैं लेकिन ग्रैब की ऐप अगर आप करके आते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारी बाइक या इन ड्राइव या करीम चलती है या उबर चलती है इस तरह यहाँ पे ग्रैब चलती है बहुत ज़्यादा तो ग्रैब की आप पहली ऐप करके आएँ सिम आपने ले ली है ग्रैब के थ्रू यहाँ पर आप गाड़ी को कॉल करें तो आपको वो होटल या हॉस्टल ले जाएगी सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है आपके पास बाइक की अगर आप जिस तरह मेरी तरह अकेले हैं तो आप सिंपल एक ग्रैब की बाइक जैसा बाइकिया ऑर्डर करते हैं वो भी कर सकते हैं और अगर आप बैग पैक करें बाइक पे जैसा मैंने 2 बैग्स पहने हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बड़े बैग्स के साथ तो मेरे पास जो तीसरी ऑप्शन है एज अ बैग पैकर वो है यहाँ की लोकल बस और मैंने अभी मैप पे देखा है कि तो मैंने अभी मैप के ऊपर अपना हॉस्टल डाला है वेदा बैग पैकर हॉस्टल अगर मैं बाइक पर जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 30 मिनट और अगर मैं बस पर जाता हूँ तो 40 मिनट और क्योंकि हमारा जो चैनल है हमारे जो व्लॉग्स हैं वो कल्चर को दिखाते हैं यहाँ की पब्लिक कैसे रहती है कैसे यूज़ करती है हमने वो एक्सपीरियंस करना होता है लिहाजा ये देखें ऐसे ग्रैब के जितने भी लोग हैं ना बाइक वगैरह यहाँ पे आपको बुलाते रहते हैं तो एनीवेज ये अगर आप देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है इतना ये बोर्ड लगा हुआ है बस स्टेशन जो है वो इस तरफ है हम बस स्टेशन की तरफ जाएँगे और ये देखें यहाँ पर उतार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस नंबर 109 और 152 ये डायरेक्ट मेरे हॉस्टल जाएगी यहाँ से तो ये गुड सीन हो जाएगा अब यहाँ पर हम देखते हैं बस नंबर आई थिंक वो कोई 2 बस खड़ी हैं वहाँ जाके चेक करता हूँ तो ये माहौल है इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पे बाहर भी कॉफ़ीज़ और कैफ़ेज़ वगैरह हैं और ये सारा आपका यहाँ पे पार्किंग का और ड्रॉप ऑफ का एरिया बना हुआ है ऑल राइट तो ये देखें यार ये सिर्फ 5,000 डोंग नेक्स्ट ओके तो ये बहुत सस्ती है बस देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है और ऑलमोस्ट बस ये देखें अब ये जो 1,000 है ना 30 अब आपने काउंट ही नहीं करने क्योंकि इतनी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है तो 5 चलो जी निकल पड़ी है जैसे हम आए तो जी होचीमिन सिटी का मैं अब आपको एक फर्स्ट लुक जो है शहर में निकलता ही एयरपोर्ट से निकलते ही वो आपको दिखा रहा हूँ पहला अगर मैं देखूँ तो बसों का निज़ाम इज़ वेरी इम्प्रेसिव बहुत ही अच्छी
बस है जो इनकी एयरपोर्ट के साथ लिंक करती है, एसी लगा हुआ है इसमें अच्छा, और देखें प्रॉपर कंडक्टर्स के जो यूनिफॉर्म है यहाँ पर वो उन्होंने पहना हुआ है, और बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम है। बाहर निकलते ही आपको कहीं दूर भी नहीं जाना। हमारे लाहौर एयरपोर्ट पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई अच्छा बस का रूट जो है वो एयरपोर्ट के साथ नहीं लिंक किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ बड़ा ज़बरदस्त मेट्रो का उन्होंने एक रूट बना दिया हुआ है, और लाहौर एयरपोर्ट जो कि सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है कराची के बाद, वहाँ पर अभी तक कोई बस या इस तरह की मेट्रो की सर्विस हमारी नहीं आई। 5 डॉम का टिकट है ये पाकिस्तानी, 60-70 रुपये की सिर्फ पड़ी है मुझे। यार यहाँ पे करेंसी संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखें मैंने इनको 20,000 का नोट दिया, उन्होंने 5,000 काटे, और अब ये इन्होंने मुझे 15,000 वापस किया है। तो देखने में आपको लग रहा है बहुत हैवी करेंसी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मेरे 50-60 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ के कटे हैं इसमें, विच इज़ फाइन। काफ़ी लोग आज से पहले अगर आपने वियतनाम नहीं देखा हुआ ना, तो लोगों के जहनों में वियतनाम के बारे में यही है कि यार ये बड़ा ही कोई गरीब मुल्क है, बिकॉज़ इधर भी वॉर लगी हुई थी, वियतनाम वॉर जो कि अमेरिका ने यहाँ पे लड़ी, और ये भी गया हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब मुल्क जो है वो तरक्की करते जा रहे हैं, सब मुल्कों के अंदर जो है वो तरक्की होती जा रही है, और ये चाइना के साथ भी लगता है तो शायद उसका भी एक इफ़ेक्ट है। और हमारी देखें कंपनी अभी तक फ़िलहाल की नहीं, और वीडियोज़ बनाने और उसके अंदर लगी हुई है, तो जब हमारे इधर भी कोई अच्छी गवर्नमेंट चलेगी, लंबी गवर्नमेंट चलेगी, तो शायद हमारे भी मुल्क में कुछ हालात बेहतर हो जाएँ। फ़िलहाल तो हमें ऑडियो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो फर्स्ट लुक के तौर पे अगर मैं देखूं, जब से एयरपोर्ट से निकला हूं, तो बड़ी खूबसूरत यार ग्रीनरी, गार्डन्स, ग्रीन बेल्ट्स, और ये देखें इवन फाउंटेन्स, कितने ज़बरदस्त लुक आपको दे रहे हैं, तो वेरी इंप्रेसिव। चाइना वाली सीरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आती है कि यार दोबारा एक दफ़ा आप चाइना करें, दोबारा चाइना के जो काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियसली मैंने अभी तो 20-30% ही चाइना किया है, बहुत बड़ा है चाइना और इतनी ज़बरदस्त जगह है, तो मुझे काफ़ी लोग कहते रहते हैं यार आप दोबारा से चाइना जाएं। तो ये उन लोगों के लिए ये सीरीज़ है बिकॉज़ ये चाइना के साथ कनेक्टेड ही है, और ऑलमोस्ट आपको देखने में भी चाइनीज़ फेसेस ही लगते हैं इनके, और जो कल्चर है वो भी थोड़ा सा चाइना का ही एक्सटेंडेड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पीपल बिहेवियर भी, लैंडस्केप भी, और जगह भी, और जो तरक्की आ रही है उसके हिसाब से भी। ऑल राइट जी, इस बस से उतर गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे इधर टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, और बस अब यहाँ से थोड़ा सा बस से उतरने के बाद ऑलमोस्ट कोई मेरी 5 to 7 minutes की सिर्फ वॉक है। ये देखें ये अब आपको नज़र आ रहे हैं सारे टूरिस्ट वॉकिंग एरिया में निकले हुए हैं, बिकॉज आपको मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट 1 चूज़ किया है हो ची मिन्ह सिटी का, और हो ची मिन्ह सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट 1 है यही सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलर एरिया है, बिकॉज जितने भी वॉकिंग टूर्स हैं, जितनी भी इनकी कुछ अट्रैक्शंस हैं शहर की, ज़्यादातर यहाँ पर हैं। ओबियसली शहर बहुत बड़ा है, बाकी हम ज़रा आउटस्कर्ट्स में भी देखेंगे। मेरा यहाँ पर आलमोस्ट आज जो क़याम होगा इस शहर के अंदर वो होगा 3 से 4 दिन, बिकॉज मुझे अपने अगला 1 month गुजारने के लिए बाइक ढूंढनी है, और क्योंकि अगले हमारे 20-25 दिन उसी के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, इसलिए इस शहर पे अच्छी सी बाइक, उसके प्रोज एंड कॉन्स, जितनी भी टाइप्स हैं उसको ज़रा गौर से देखेंगे फिर सेलेक्ट करेंगे। तो वियतनाम के अंदर ये स्ट्रीट कैफेज़ और ये छोटी छोटी कुर्सियाँ, इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड है, बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं यार। ये देखें छोटी छोटी सी कुर्सियाँ होती हैं। ये लिखा है हमारा वेदा बैकपैकर्स हॉस्टल, ये इन्होंने बहुत बड़ा एक मैप लगाया हुआ था कि आपको अंदाज़ा हो जाए, ये ऊपर बिल्डिंग है इनकी। सो जनाब चेक करते हैं। शिन चाओ, हेलो, बुकिंग ऑल राइट। नाज़रीन तो सीन ये है कि मैं ज़रा पहुंच गया हूँ आलमोस्ट 10:30 बजे हॉस्टल में, और चेक इन टाइम इनका 2 PM होता है, तो तब तक हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। अभी वो मुझे उन्होंने मेरा बेड जो है वो हॉस्टल का नहीं दिया,
एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो इंग्लिश सबको आती है, बड़ी अच्छी यहाँ पे बोल लेते हैं, इवन थाईलैंड से बेहतर बोल लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपने जो अगला एक महीना गुजारना है इनके, ये तो बड़ा शहर है लेकिन हमने इनके विलेजेस में भी जाना है, इनके जो कंट्री साइड है वहाँ पर भी जाना है। और स्पेशली हमारे टूर का मेन मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर सीखें, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फूड, वहाँ का जो भी लोगों का बिहेवियर्स है, तो उसके लिए लोकल ज़बान आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लैंग्वेजेस सीखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। करते ही हैं कि जैसे मैं कुछ वर्ड सीखता हूँ तो आपको भी साथ इसमें सिखा देता हूँ। तो मैंने कुछ अपने जो कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको ड्यूरिंग द ट्रैवल आपको यूज़ होते हैं वो मैंने लिखे हैं, आपके साथ भी स्क्रीन पर शेयर करता रहता हूँ ताकि आप भी ट्रैवल सीरीज़ देखने के साथ सिर्फ इन्जॉय ना करें बल्कि कुछ सीखें भी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इनकी लैंग्वेज में इनको हेलो कहा जाता है वो कहते हैं सिनचाओ। सिनचाओ का मतलब है हेलो। और दूसरा वर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है थैंक यू। थैंक यू को वियतनामीज़ लैंग्वेज में कहते हैं कम ऑन। तो ये भी याद रहेगा हमें, कम ऑन उर्दू एक इंग्लिश का ही वर्ड होता है, कम ऑन जो हम कहते हैं उसको बस एक अपने स्टाइल में कहना है कम ऑन, तो वो आपका बन जाता है थैंक यू। उसके बाद गुड बाय। गुड बाय को कहते हैं तंबियत। उसका आपको किसी भी जगह पे सॉरी कहना पड़ता है या एक्सक्यूज़ भी कहना पड़ता है उसको ये लोग कहते हैं शिनलोए। शिनलोए का मतलब होता है सॉरी या एक्सक्यूज़ भी। इसके अलावा यस को कहते हैं वांग और नो को कहते हैं खोंग। बाज़कत लोग आपसे आपका नाम पूछते हैं तो आपने उनकी लैंग्वेज में अगर आप अपना नाम बताते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और उसको वियतनामीज़ लैंग्वेज में अगर आपने कहना है माय नेम इज़ बिलाल तो मैं कहूँगा तेन तोइला बिलाल। तेन तोइला अभी। अच्छा जी, साथ साथ हम इनका स्ट्रीट फूड पे क्या क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छोटी सी गन्ने की मशीन यहाँ पे चलती है और सब लोग यहाँ पे ठंडा ठंडा पाइनएप्पल का गन्ने का जूस इन्जॉय करते हैं। साथ ही आपको इस पूरे शहर में देखें जितने भी टूर्स चलते हैं जो कि हम आगे एक्सप्लोर कर रहे होंगे अभी अगले एक महीने में, उस सारे आपको जगह जगह के ऊपर बिल्कुल थाईलैंड की तरह आपको टूर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। वहाँ पे भी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी, और इसी तरह थाईलैंड की तरह यहाँ पे भी आपको हर जगह पे मसाज वगैरह जो है वो नज़र आ रहा होता है। और एक कॉमन फ्रेज जो कि बहुत ज़्यादा आपको शॉपिंग करते वक्त पूछना होता है कि हाउ मच, कितने की चीज़ है, तो वो आप उनकी लैंग्वेज में अगर आप पूछें तो वो कहते हैं बाओ न्यू। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे तो आप कहेंगे दत क्वा। दत क्वा क्या मतलब है, वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपने डिस्काउंट लेना है। तो फिर आपने जब आपने उनको कहना है कि यार गिव मी सम डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए आप कहेंगे ज़्याम ज़्या, ज़्याम ज़्या। तो यहाँ पे बेसिकली जो जी की साउंड है वो ज़े की आवाज़ निकलती है, जहाँ पे भी जी लिखा होता है वो आप जो है वो उसको ज़े पढ़ते हैं। और ये देखेंगे आपको वियतनामीज़ बिल्कुल स्टाइल के अंदर जो कैप्स, यहाँ का कल्चर है ये बैत की कैप्स बनी होती हैं, ये सब लोग अपने टूरिस्ट को भी चेक करवाते हैं और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे सेवेनियर्स वगैरह बाय करते हैं। तो मैं बस अभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ, ये इनकी मार्केट है इधर, बड़े अच्छी चीज़ें शॉपिंग वगैरह की, जितनी भी गारमेंट्स और ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितना भी गैजेट बनता है वो वियतनाम से आता है, और यहाँ की जितनी भी ट्रैवल गैजेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो मैं हो सकता है यहाँ से कुछ खरीदूँ, जैसा कि ये देखें नॉर्थ फेस के ये बैग्स वगैरह इसी तरह का मैं लेकर आया हूँ अपने बाइक के लिए अभी। तो चीज़ें सस्ती मिलती हैं यहाँ पे रेलिवेंट टू गारमेंट्स, और इसके अलावा इसके साथ साथ जो उनके बैग्स हैं और टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग, और जिसमें मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया अपना पाकिस्तान से और पहुँचे हम लोग थाई एयरवेज़ के ऊपर ट्रैवल करने के बाद फाइनली साइगोन, जिसका दूसरा नाम होचीमिन सिटी है। थोड़ा सा हमने सफ़र भी देखा, थोड़ी सी हमने लैंग्वेज सीखी और सिम वगैरह की भी इंफॉर्मेशन देख ली। अगली आने वाले 3-4 एपिसोड्स में मैं ये जो होचीमिन सिटी है यहाँ का कल्चर और इसके सराउंडिंग में जितने भी फेमस प्लेसेस हैं हम वो देखेंगे। तो मिलूँगा आपसे न्यू एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।